सात श्रीकाल नमस्कार आदाब स्वागत है फिर से आपका इन शॉर्ट में सो आई विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे हैप्पी होंगे और सेफ होंगे सो so, गाइज आप सब लोग वेट कर रहे होंगे कोई ना कोई न्यूज़ क्रैक करने की कोई ना कोई न्यूज़ कोई वीडियो आप चेक कर रहे होंगे खास करके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं वो लोग रिफ्रेश कर रहे होंगे डेफिनेटली बार बार इसको देख रहे होंगे कि कौन सी न्यूज़ आएगी जिसमें ये पता चले कि इंटरनेशनल स्टूडेंट कब फ्लाई करने वाले हैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ इसमें अभी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट की अपडेट तो नहीं है लेकिन उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है अच्छी क्यों बोल सकते हैं कि पहले तो सिर्फ न्यूज़ और ये सब अनाउंसमेंट्स हो रही थी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से कि कभी ये कर देंगे कभी वो कर देंगे कभी ना कभी ये कोई ना कोई पायलट प्रोजेक्ट के बारे में चला देते थे कि ये चलने वाला है सो so, वो प्रोबेबिलिटी थी आज की न्यूज़ जो मैं लेकर आया हूँ ये लेकर आया हूँ आपके लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और ये न्यूजीलैंड गवर्नमेंट इन्होंने एक ट्रैवल बबल चलाना था वो ट्रैवल बबल अभी चल चुका है इसकी ये कंफर्म न्यूज आ चुकी है कि ये कब चलाने वाले हैं ये आपका चलाने वाले हैं ऑफ अक्टूबर अभी आप की पॉइंट्स में देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि न्यू साउथ वेल्स एंड नॉर्दर्न टेरेटरी विल एक्सेप्ट न्यूजीलैंड अराइवल्स फ्रॉम सिक्सटींथ अक्टूबर सो डेट कन्फर्म हो चुकी है इसका इम्पैक्ट क्या है इसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव है कि आप मान के चलिए कि ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड जो सिटीजन्स और परमानेंट रेजिडेंस हैं वो आपस में एक दूसरी जगह पर फ्लाई करेंगे इस केस में सिर्फ न्यूजीलैंड वाले ही फ्लाई करेंगे और ऑस्ट्रेलियन वाले अभी नहीं करेंगे थोड़ा वेट करना पड़ेगा ये उनके पीआर और सिटीजनशिप के लिए अच्छी न्यूज है हमारे लिए अच्छी क्या है इसके अंदर की ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि दोनों कंट्रियाँ आपस में ट्रैवल बबल ओपन कर रही हैं इट मीन्स कि ये लोग अभी जो है आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए भी निकालने वाले हैं ऑलरेडी uh, जो रिसेंट न्यूज़ आई थी जापान ने भी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन को अलाउ कर दिया फ्लाई करने के लिए ये आपस में ट्रेवल बबल ओपन कर रहे हैं और साथ साथ जो न्यूज़ आ रही हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरी से आ रही हैं लगभग लगभग अभी ऑस्ट्रेलिया में स्टेट्स के बॉर्डर्स ओपन हो चुके हैं सिर्फ एक विक्टोरिया का बॉर्डर ओपन नहीं हुआ अदर स्टेट के लिए और वहाँ पे आपको पता है क्योंकि अभी पैनेडमिक सिचुएशन के कारण वहाँ पे कुछ केसेस बढ़ गए थे लेकिन वहाँ पे केसेस काफ़ी कंट्रोल में हैं और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि उस कंट्रोल के कारण बाकी स्टेट्स ने अलो कर दिया है ऑस्ट्रेलियन जो प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन उनका साफ साफ कहना है कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवलर्स या स्टूडेंट्स को अलो तब ही कर पाएंगे जब हमारे खुद के बॉर्डर ओपन होंगे अब समझिए इस बात को ऐसा नहीं होगा कि वो अपने इंटरनल बॉर्डर बंद रखेंगे और हमारे लिए स्पेशल जो एक प्लेन चलाने वाले हैं उसमें बच्चों को बिठाएंगे और ले आएंगे वो तब तक नहीं चलेगा जब तक उनके इंटरनेशनल जो जो वहाँ पे उनके फंसे हुए हैं सिटीजन्स अदर कंट्रीज़ में उनको वापस नहीं बुलाएंगे या फिर इंटरनल जो उनके बॉर्डर्स जो हैं वो ओपन नहीं होंगे और ऑलमोस्ट पॉजिटिव ये है कि अभी ये बॉर्डर्स ओपन हो चुके हैं और उसका जो इम्पैक्ट आने वाले सात दस दिन में ये पता चलेगा कि कोई ना कोई सिचुएशन पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो अगर वो सब कुछ ठीक रहा सो मेरा बिलीफ ये है कि दिसंबर एंड या फिर जनवरी स्टार्ट क्योंकि तो अभी आप सब लोगों ने कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स ऑप्ट कर लिया होगा कोई चांसेस नहीं है कि अभी आप जाने वाले हो कोई चांसेस नहीं है कि आपको अभी इमिडिएटली नवंबर में या दिसंबर में न्यूज़ आएगी और आप फ्लाई करके चले जाएंगे उनको पता है कि आप सब लोगों ने ऑनलाइन स्टडी ऑप्ट कर ली है उसका सेशन खत्म होने वाला है दिसंबर में फिर अगला सेशन कब चालू होगा फेब में सो तो फेब से पहले पहले वो डेफिनेटली बुलाएंगे और एक अच्छा इंडिकेशन है आज का वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप लोगों को एक अपडेट दूं कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिफरें जो न्यूज़ आ रही हैं वो एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं आप होप मत छोड़िए और डेफिनेटली जिनका ड्रीम है ऑस्ट्रेलिया जाने का स्टडी करने का वहाँ पर सेटल होने का पेयर लेने का उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है आप होप रखिए अच्छा ही होने वाला है और वीडियो वॉच करते रहिए कुछ ना कुछ और भी अपडेट आएगा मैं आपको शेयर करूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ कुछ भी नया अपडेट आएगा डेफिनेटली आपको शेयर करूंगा तब तक आप बने रहिए थैंक यू सो मच